हेलो स्टूडेंट, मैं एसएस यादव। आज आपको कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 2 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इस चीज को आज हम जानेंगे बच्चों। इससे पहले हमने अध्याय 1 में पढ़ा था मानव भूगोल का अर्थ, उसका विकास, उसकी प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र। तो बच्चों, आज का हम शुरू करते हैं अध्याय को, जो है विश्व की जनसंख्या और जनसंख्या के विभिन्न रूपों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक चित्र दिखाता हूं। देखिए बच्चों, ये जो चित्र आप जो देख रहे हैं, ये किसका है? विश्व का मानचित्र है। और इस मानचित्र में क्या दिखाई गई है? जनसंख्या को दिखाया गया है। और ये जो जनसंख्या, जिसे हम कहते हैं किसी देश के लोग, जो उस देश की क्या होते हैं बच्चों? पहचान होते हैं, उस देश की शक्ति होती है, उस देश का धन होते हैं। तो बच्चों, आज हम इसी धन, इसी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, हम जो आज पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम ये जानेंगे कि ये जो विश्व के जो लोग हैं, जो विश्व की शक्ति है, जो पहचान है, इसको आप बच्चों देखेंगे कि कहीं पर तो देखिए इनकी संख्या अधिक है और कहीं पर इनकी संख्या क्या पाई जाती है बच्चों? कम पाई जाती है। इस तरह से आप देखेंगे कई जगह ये लोग बिखरे हुए मिलते हैं। तो बच्चों, तो आज जो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर ये भी जानेंगे कि ये जो लोग जो रहते हैं, इनमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं। और भी बच्चों हम ये जानेंगे मृत्यु दर क्या है और जन्म दर क्या है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे बच्चों कि इसके अंदर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, अर्थात कहाँ कितनी साक्षरता है। बच्चों साथ में ये भी जानेंगे ये लोग जो हैं, ये जो शक्ति है, ये धन रहता कहाँ है? गाँव में रहता है या शहरों में रहता है? ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे विश्व की जनसंख्या के रूप में ये लोग काम क्या करते हैं, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएँ करते हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले इन सारे तथ्यों को क्रम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या के वितरण को देखिए, देखने से पहले मैं आपको एक परिभाषा दिखाऊंगा बच्चों, और उससे जनसंख्या के वितरण का आपको आभास होगा कि जनसंख्या में वितरण एक जैसा है या जिसे हम कह सकते सम है या विषम है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो बच्चों, इससे स्पष्ट क्लियर हो जाता है जनसंख्या का वितरण कहीं भी समान नहीं है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जमघट काफी अधिक पाया जाता है, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर जनसंख्या विरल मात्रा में पाई जाती है, अर्थात लोग बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसीलिए क्रेसी ने कहा था कि बहुत अधिक स्थानों पर कैसे लोग रहते हैं? कम लोग, और कम स्थानों के ऊपर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो देखिए आप, शहरों में कितनी ज्यादा जनसंख्या रहती है, और यदि हम देखें पर्वत पठार मैदानों में छितराई बस्तियां मिलती हैं। तो इससे यही सिद्ध होता है जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान है बच्चों। तो बच्चों, अब हम जानेंगे जनसंख्या का वितरण क्या है, किसे कहते हैं जनसंख्या का वितरण। बच्चों याद रखना, जनसंख्या के वितरण का मतलब होता है जनसंख्या का फैलाव किस प्रारूप में है। उसी चीज को हम जानेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो सबसे पहले इसके अर्थ को देखते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ, भूपृष्ठ का मतलब पृथ्वी की सतह। ठीक है बच्चों, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, वितरित का अर्थ है उनका फैलाव, अर्थात किस तरह फैले हुए हैं, इस बात से लगाया जाता है। किसका अर्थ लगाया जाता है बच्चों? जनसंख्या के वितरण का। और देखिए, विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% क्षेत्र में निवास करती है। बच्चों इसको ऐसे समझें, ये विश्व का क्षेत्रफल है।
इसके 10% भाग पर ही विश्व की मैक्सिमम जनसंख्या रहती है, और जो 90% जो भाग देख रहे हो इस पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। यानी मैक्सिमम संख्या कहां पर पाई जाती है, विश्व के 10% क्षेत्रफल में ही निवास करती है बच्चों। इसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे विभिन्न देशों के अनुसार जनसंख्या। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, जल्दी से बताइए। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, बताओ भारत का विश्व की जनसंख्या में कौन सा स्थान है। तीसरा एक क्वेश्चन और पूछूंगा बच्चों, बताओ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से महाद्वीप में स्थित हैं। इन्हीं क्वेश्चनों का उत्तर हम ढूंढते हैं। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में जो बच्चों आता है कौन सा है, चीन। दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है बच्चों, भारत। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों, और संयुक्त राज्य अमेरिका को हम क्या कहते हैं, यूएसए भी कहते हैं बच्चों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन सा स्थान है इसका दुनिया में, तीसरा स्थान। इसी तरह से देखिए बच्चों, चौथे नंबर पर आता है एशिया का एक और देश इंडोनेशिया, और पांचवें स्थान पर देखिए बच्चों आता है ब्राजील। ब्राजील कौन से महाद्वीप का देश है बच्चों, ब्राजील की यदि हम बात करें बच्चों, यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से। बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील ही है दक्षिणी अमेरिका का। उसके बाद एशिया का एक और देश आता है भारत का पड़ोसी देश, जिसका नाम क्या है बच्चों, पाकिस्तान। सातवें नंबर पर आता है नाइजीरिया। बच्चों बताओ नाइजीरिया कौन से महाद्वीप का देश है, जल्दी से सोचकर बताइए। वेरी गुड, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो बच्चों एक सवाल और बनता है यहां पर, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताओ अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो बच्चों कौन सा देश होगा, नाइजीरिया। उसके बाद एशिया का एक और देश आता है बच्चों, जो भारत का पूर्व का पड़ोसी देश है, जिसे हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश। फिर उसके बाद नौवें स्थान पर है रूस। तो बच्चों उसके बाद आता है दसवें स्थान के ऊपर हम देखेंगे मेक्सिको। मेक्सिको कौन से महाद्वीप का देश है, वेरी गुड, दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका या बच्चों हम कहें मध्य अमेरिका। तो कहां का देश है, उत्तरी अमेरिका के अंदर आने वाला एक देश, जिसका नाम क्या है बच्चों, मेक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका के कितने देश हो गए, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा मेक्सिको। तो इस तरह से आपने देखा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, बताओ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से महाद्वीप में स्थित हैं। पूर्व में मैंने पूछा था, तो कौन सा महाद्वीप आ जाता है बच्चों, एशिया। बताओ इन 10 स्थानों में से एशिया के कितने देश हैं, जल्दी से यहां से देखिए, आप पहचान करिए और उनकी गणना करिए और संख्या बताइए, एशिया के कितने देश हैं जो क्रम से हमने 10 स्थान लिखे हैं उनमें। तो देखिए बच्चों, पहला स्थान चीन। चीन कौन से महाद्वीप का, एशिया। दूसरा भारत, और तीसरे नंबर पर देखिए इंडोनेशिया बच्चों। चौथे नंबर पर कौन सा आता है, पाकिस्तान। और पांचवें नंबर पर कौन सा देश आता है बच्चों, बांग्लादेश। तो एशिया के कितने देश हो गए यहां पर बच्चों, 5 देश। तो अब हम कह सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। लेकिन आपने देखा कई देशों के अंदर जनसंख्या काफी कम है, तो हम कहते हैं जनसंख्या का वितरण असमान है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं बच्चों, जो जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उन्हीं कारणों को हम 3 भागों में बांटते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को। एक नंबर पे कारक आता है भौगोलिक कारक बच्चों, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे आर्थिक कारक, और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो बच्चों कितने भागों में बांटा हमने कारकों को, 3 भागों में। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, भौगोलिक कारक पढ़ेंगे, और भौगोलिक कारक के भी बहुत सारे पार्ट हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो पार्ट देखेंगे, भू आकृति। भू आकृतियां अगर हम बड़े रूप से देखें 3 पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं बच्चों, जरा सोचिए, और तीनों का मैंने चित्र भी दिखाया है। अब जल्दी से आप सोचिए कौन सी है,
पर्वत, पठार और मैदान, और तीनों भू आकृतियों को यदि हम देखें तो पर्वतों पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि पर्वत की चोटियां काफी ऊंचाई पर होती है और बर्फ से ढकी हुई भी होती हैं, इसलिए मानव के अनुकूल नहीं होती हैं। दूसरा, यदि पठार, जो ऊंचे पठार हैं वो भी बर्फ से ढके हुए होते हैं बच्चों, और ऊंचे पठारों में यदि बच्चों हम देखें तो कुछ इतने भी ऊंचे पठार हैं जहां पर जीवन संभव नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं बच्चों, एशिया के पठार, और एशिया के पठारों में आता है पामीर का पठार, तो पामीर के पठार को कहा जाता है डेड हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का मृत हृदय। क्यों? क्योंकि वहां निर्जन है, मानव वहां पर रहता नहीं है। लेकिन बच्चों, एशिया का एक पठार और भी है जिसका नाम है तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार में तो देखिए कहीं कहीं मानव के घर हैं, अर्थात मानव वहां पर निवास करता है, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती है। उसके बाद बच्चों आता है मैदान, तीसरी भू आकृति। तो देखिए, सर्वाधिक विश्व की जनसंख्या को हम देखें तो कहाँ निवास करती है? मैदानों में निवास करती है। तो इससे ये पता चलता है कि देखिए, भू आकृतियां भी जनसंख्या के वितरण को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। पर्वत पठारों की तुलना में यदि हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मैदानों में करती है, चाहे नदियों द्वारा निर्मित मैदान हो या सागरीय तटीय क्षेत्र में यानी कोस्टल एरिया के निर्मित मैदान हो, वहीं पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। बच्चों, अब देखते हैं हम दूसरा कारक, और दूसरे कारक के अंदर देखिए हम देखेंगे जलवायु, और जलवायु के अंदर प्रमुख रूप से देखिए बच्चों जो हम पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? तापमान। फिर किसको पढ़ते हैं? वायुदाब। फिर क्या पढ़ते हैं बच्चों? फिर हम पढ़ते हैं पौने। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जलवायु के जो कारक हैं, और भी एक कारक ले सकते हैं, आर्द्रता। तो इनके आधार पर हम देखेंगे कि मानव का निवास कहां पर है। दो चित्र दिखाए हैं बच्चों, एक सबसे गर्म स्थान किसके आधार पर देख रहे हैं? तापमान के आधार पर। एक स्थान देखिए जो दिखाया है, सबसे ठंडा स्थान। तो देखिए, गर्म जो स्थान पाए जाते हैं कहां पर होते हैं? मरुस्थलों में। भारत के मरुस्थल की यदि हम बात करें तो भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। क्यों? तापमान की अधिकता के कारण। अब देखिए, हम देखते हैं ठंडे प्रदेश यानी हिमालयी जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, या हम पूरे विश्व में देखें तो देखिए टुंडा और टैग्रा जो क्षेत्र हैं, या हम कह दें साइबेरिया वाले क्षेत्र हैं जहां पर देखिए शीत ऋतु में बर्फ जमा हो जाती है, या हम कहें वर्ष के अधिकतर महीनों के अंदर देखिए वहां पर क्या पाई जाती है? बर्फ पाई जाती है, अर्थात वहां तापमान क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, कम तापमान वाले जो स्थान है वहां पर भी मानव का निवास संभव नहीं है, अर्थात वहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। इससे यह पता चलता है कि मानव के लिए न तो अधिक तापमान अनुकूल है और न कम तापमान अनुकूल है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों को देखिए कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और देखिए जहां कम तापमान जो पाया जाता है उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? शीतकटिबंधीय क्षेत्र। न तो ये मानव के अनुकूल है और न ये मानव के अनुकूल। इन दोनों के मध्य का जो भाग है जिसे हम बच्चों कहते हैं शीतोष्ण। तो देखिए, मानव के लिए जो अनुकूल जो जगह है कौन सी है बच्चों? शीतोष्ण कटिबंध। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से कटिबंध में पाई जाती है बच्चों? शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है, क्योंकि वहां गर्मियों में न अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में न अधिक सर्दी पड़ती है। मानव के अनुकूल जनसंख्या होती है वहां पर, यानी मौसम मानव के अनुकूल होता है। देखिए बच्चों, तीसरा आता है काफी महत्वपूर्ण कारक जिसका नाम है जल। मानव ने देखिए सबसे पहले रहना कहां शुरू किया था बच्चों? जल के पास, जहां पानी की उपलब्धता थी वहीं पर मानव ने अपनी छोटी छोटी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया, और वहीं पर देखिए मानव अपनी बस्तियां बसाता और रहना शुरू कर लेता है, क्योंकि हम कह सकते हैं मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता कौन सी है? पानी है। तो देखिए, प्राचीन यदि हम बच्चों देखें, प्राचीन सभ्यताएं कहाँ फली फूली थी? नदियों के किनारे। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे बच्चों। उसके अलावा
इराक की सभ्यता, इराक की सभ्यता की यदि हम बच्चों बात करें तो कौन सी नदियों के किनारे फली फूली थी? दजला और फरात। इसी तरह देखिए हम मिस्र की सभ्यता को देखते हैं, वहां दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और कौन सी है सबसे लंबी नदी? नील नदी। तो देखिए मिस्र की जो सभ्यता है कहां फली फूली थी? नील नदी के किनारे। ऐसे ही हम चाइना में भी देख सकते हैं बच्चों, यांगटी सीकांग नदी के किनारे भी सभ्यताएं फली फूली। तो हम ये कह सकते हैं नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई। और अब आपको मैं चित्र में दिखा रहा, यूरोप की एक नदी है और इस नदी के किनारे आप देख रहे हो मानव द्वारा बसाई गई, देखिए यहां पर बस्तियां हैं जो बाद में किसका रूप ले लेती है, एक बहुत बड़े महानगर का रूप लिया है। तो उसी चित्र को मैंने यहां पर दिखाया है। तो आप देख रहे हैं कि यहां भी जनसंख्या का एक जमघट पाया जाता है, अर्थात यहां पर जनसंख्या सघन रूप से पाई जाती है। तो बच्चों अब उसके बाद हम देखते हैं अगला जो कारक आता है कौन सा है? मृदा, अर्थात हम कह सकते हैं इसको मिट्टी भी। तो अपनी भाषा में यदि हम देखें सरल रूप से हम क्या कह सकते हैं बच्चों इसको? मृदा को मिट्टी भी। और मिट्टी देखिए यहां पर दिखाई गई है, एक मृदा है रेतीली या रेत के मोटे मोटे कणों से बनी हुई रेत, या हम इसे कह देते भूरी मृदा। उसके बाद देखिए दूसरी मृदा आपको दिखाई गई है, वो कौन सी है? काली मृदा। काली मृदा के कण बारीक होते हैं और रेतीली जो मृदा होती है जिसे हम कहते हैं सैंड या रेत या भूरी मृदा, इसके कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और बीच में देखिए काली और भूरी से मिलकर बनी हुई उसे हम कहते हैं दोमट मृदा। तो बच्चों याद रखना सर्वाधिक कृषि के लिए देखिए उपजाऊ जो मृदा मानी जाती है कौन सी मानी जाती है? दोमट मृदा। ये जो मृदा होती है इसके कण मोटे होते हैं इसलिए ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। मोटे कणों के कारण इसमें देखिए जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है क्योंकि पानी का जल्दी जल्दी क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। तो देखिए कृषि की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मृदा है? दोमट। और जहाँ ये मृदा पाई जाती है वहीं पर देखिए मानव ने रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मानव देखिए प्रारंभ से ही क्या करता है? कृषि करता है। और कृषि के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? मृदा की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए वहां जनसंख्या का क्या होने लगा? जमघट होने लगा। और जहां उपजाऊ मृदाएं नहीं पाई जाती है वहां जनसंख्या कैसी पाई जाती है? विरल मात्रा में पाई जाती है। बच्चों अब आते हैं हम दूसरे कारक पर। दूसरा कारक कौन सा है? आर्थिक कारक। और आर्थिक जो कारक है बच्चों वो मानव की आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव की एक आर्थिक क्रिया खनन करना। तो देखिए खनन कहां पर किया जाते हैं? जहां खनिज मिलते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं किसको? खनिज। और खनिज के अंदर देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में एक तांबे की पेटी पाई जाती है, और कहां पाई जाती है तांबे की पेटी? जाम्बिया देश में पाई जाती है। और जाम्बिया देश में एक पठार है बच्चों, और उस पठार का नाम क्या है? कटंगा का पठार। क्या नाम है बच्चों उस पठार का? कटंगा का पठार। और इस कटंगा के पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। इसीलिए इस पठार को कहा जाता है तांबा पेटी। यानी पेटी का मतलब क्या होता है? बेल्ट, क्षेत्र। तो तांबे का क्षेत्र है, और दुनिया में बहुत बड़ा क्षेत्र देखिए तांबे का कहां पर है? कटंगा के पठार पर। तो यहां देखिए जनसंख्या का जमघट पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं जमाव पाया जाता है, यहां अधिक जनसंख्या है। हम ऐसे भी कह सकते हैं जहां जहां खनिज वहां वहां अधिक जनसंख्या। चाहे हम भारत का एग्जाम्पल लें, भारत में खनिजों का अजायब घर या खनिजों का भंडार किसको कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार वाला जो एरिया है वहां पर भी जनसंख्या काफी पाई जाती है। तो देखिए अब अगला कारण हम लेते हैं औद्योगीकरण। और औद्योगीकरण की जब बच्चों हम बात करें तो देखिए मैंने एक चित्र भी दिखाया है औद्योगीकरण का। औद्योगीकरण देखिए जहां भी होता है उसके लिए मानव को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। क्या मिलता है? रोजगार। और रोजगार के लिए व्यक्ति देखिए गांवों से औद्योगिक क्षेत्रों की ओर क्या करता है? पलायन करना शुरू कर देता है बच्चों। तो ये ध्यान रखना जहां जहां औद्योगीकरण हुआ है और वहां वहां जनसंख्या का जमाव भी अधिक देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये एक जापान का शहर है।
जिसको हम कहते हैं औद्योगिक शहर। और जापान का देखिए जो औद्योगिक शहर है उसका नाम है कोबे ओसाका, कोबे ओसाका। और ये कैसा है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ की जो लाइफ लाइन है वो क्या मानी गई है, औद्योगिकरण को माना गया है। औद्योगिकरण में अधिक जनसंख्या का कारण क्या है बच्चों, याद रखना, रोजगार। और एग्जाम्पल यदि पूछा जाए तो जापान का कोबे और ओसाका औद्योगिक क्षेत्र बच्चों। और ये एक बहुत बड़ी औद्योगिक पेटी है। जैसे आपने सुना होगा बच्चों, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर का मतलब जहां पर देखिए सूती वस्त्र उद्योग की फैक्ट्रियां लगी हुई हो। तो सबसे ज्यादा देखिए फैक्ट्रियां देखते हैं जापान में, तो कहां लगी हुई है, ओसाका। तो जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। तीसरा कारक देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं आर्थिक क्रियाओं में वो कौन सा था, नगरीकरण। तो बच्चों नगरीकरण के अंदर लोग देखिए गांव से शहरों की ओर जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए। किसके लिए जाते हैं, चिकित्सा के लिए। किसके लिए जाते हैं बच्चों, रोजगार के लिए। देखिए लोग गांव से कहां जाते हैं, शहरों की ओर, या हम कहते हैं सुविधाओं के लिए। किसके लिए जाते हैं, सुविधाओं के लिए भी लोग देखिए गांव से कहां पर पलायन कर जाते हैं, शहरों की ओर कर जाते हैं। और इसी को देखिए हम यहां पर देखें तो शहरों के अंदर एक तरह से हम कैसे जनसंख्या का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। एक तरफ कम जनसंख्या, एक तरफ अधिक जनसंख्या। इस तरह से आपने देखा जनसंख्या का वितरण देखिए कई आर्थिक क्रियाओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। अब उसके बाद देखिए बच्चों हम देखेंगे सामाजिक कारक और साथ में उसके सांस्कृतिक कारक। नंबर तीन पर हमारे कौन से कारक आते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इसमें हम शामिल करते हैं धर्म, भाषा और राजनीतिक अशांति। बच्चों देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं जहां अपने धर्म के लोग रहते हैं उनके बीच में रहना पसंद करते हैं, विशेषकर चाइना के लोग चाहे कहीं भी रहें लेकिन अपने धर्म के लोगों के पास रहना अधिक पसंद करते हैं। इसी तरह से देखिए भाषा, अपनी भाषा के जो लोग रहते हैं उनमें वो ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आपने बड़े बड़े महानगरों में देखा होगा एक ही समुदाय के लोग एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं। इस तरह से भी जनसंख्या का क्या होने लगा है, जमघट होने लगा है। अर्थात हम कहते हैं कि धर्म, संस्कृति और उसके अलावा भाषा के आधार पर भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया जाता है। उसके बाद आता है राजनीतिक अशांति। जिन देशों में गृह युद्ध की स्थिति या राजनीतिक उलटफेर होते रहते हैं वहां लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जीवन में क्या चाहते हैं बच्चों, शांति चाहते हैं। इसलिए कौन से स्थानों पर रहना अधिक पसंद करते हैं, उन स्थानों पर रहना अधिक पसंद करते हैं जहां पर देखिए शांति होती है। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ा जनसंख्या का वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद देखिए हम देखेंगे बच्चों जनसंख्या का घनत्व। तो सबसे पहले हम जनसंख्या के घनत्व के अर्थ को समझेंगे। लोगों की संख्या, याद रखना लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों, जनसंख्या। और भूमि के आकार, भूमि के आकार को कहा जाता है क्षेत्रफल। के बीच का अनुपात, यदि पेपर में पूछा जाए जनसंख्या घनत्व क्या है तो सीधा सा अर्थ है जनसंख्या और क्षेत्रफल के मध्य जो अनुपात पाया जाता है उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक सूत्र के माध्यम से भी देखिए बच्चों, जनसंख्या बटा में क्या लिख रखा हमने, क्षेत्रफल। अर्थात यदि हम जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, जनसंख्या के घनत्व की प्राप्ति होगी। और जनसंख्या का घनत्व किसको बताता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। आपने देखा होगा शहरों में तो काफी लोग रहते हैं, गांव में कैसे रहते हैं, कम लोग रहते हैं। इस तरह से जनसंख्या का घनत्व कहीं अधिक है तो कहीं क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। देखिए घनत्व का मापन प्रति वर्ग किलोमीटर से रहने वाले व्यक्तियों के रूप में किया जाता है। तो सीधा सा प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं,
किसमें प्रदर्शित किया जाता है? घनत्व के अंदर। तो मैं एक उदाहरण से और समझाता हूं, देखिए कि कोई एक प्रदेश है जिसका नाम है क, प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग किलोमीटर और वहां की जनसंख्या है 150,000। तो हमें क्या ज्ञात करना है? घनत्व ज्ञात करना है। घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जनसंख्या और किसका भाग देते हैं हम? क्षेत्रफल का। तो सीधा सा देखिए, जनसंख्या कितनी है? 150,000 देखिए, और भाग कितने का देंगे हम? 100 वर्ग किलोमीटर का। तो देखिए, 0 से 0 को काट देते हैं और अब हमारे पास कितना आ जाता है? 1,500, अर्थात हम कह सकते हैं 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सीधा सा अर्थ है, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 1,500 व्यक्ति रहते हैं। इस तरह से हम देखें जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को ज्ञात करते हैं। कहीं पर यह अनुपात अधिक पाया जाता है, कहीं पर यह अनुपात क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अब देखिए, मैं पूरे विश्व का देखिए जनसंख्या का घनत्व दिखा रहा हूं बच्चों, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है, बताओ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप का है बच्चों? तो कौन सा महाद्वीप होगा? दूसरा मेरा एक क्वेश्चन और भी है, ऐसा महाद्वीप कौन सा है बच्चों जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है बच्चों? तो देखिए, इस सारणी में हम देखेंगे इस चीज को। तो बच्चों देखिए, हमने सबसे पहले लिखा है क्षेत्र, फिर जनसंख्या, और उसके बाद क्या है? भू क्षेत्र। भू क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। और उसके बाद देखेंगे हम घनत्व। तो सबसे पहले देखिए, जिसे कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप यानी एशिया बच्चों, उसकी जनसंख्या कब की है? 2018। और उसका क्षेत्रफल, तो देखिए जनसंख्या में किसका भाग दिया जाता है? क्षेत्रफल का। तो हमें क्या प्राप्त होता है? जनसंख्या घनत्व 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहां पर बच्चों? एशिया में। इसी तरह से दूसरा देखते हैं हम अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें तो यहां जनसंख्या का घनत्व यानी कितना है? 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, एशिया से काफी कम है। उसके बाद देखिए बच्चों यूरोप। यूरोप का यदि जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 33। इसी तरह से देखिए हम लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का देखिए देशों का देखते हैं, इसे दक्षिणी अमेरिका भी कहा जाता है बच्चों। किसको? लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों को। और इसके अंदर देखिए इनका जनसंख्या घनत्व यूरोप से केवल कितना कम है? 1 ही कम है बच्चों। उसके बाद देखिए हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में कितना पाया जाता है बच्चों? 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे लास्ट में देखते हैं ओशिनिया। अब आप समझ रहेंगे ये ओशिनिया कौन सा महाद्वीप है बच्चों? ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर देखिए एक महाद्वीप बना है, उसी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? ओशिनिया। और ओशिनिया महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कितना जनसंख्या घनत्व है? 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, अब आपको उसका उत्तर मिल गया होगा बच्चों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां का? देखिए एशिया का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का? ओशिनिया का। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया का यदि अध्ययन करेंगे, पूरे विश्व के डाटा का यदि आप एनालिसिस करेंगे बच्चों, तो पाएंगे कि देखिए एशिया के अंदर तो कितने लोग रहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में 146 लोग रहते हैं। और कहां 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? केवल 5 लोग रहते हैं। इस तरह से जनसंख्या का घनत्व भी समान है या असमान है बच्चों? बच्चों देखिए, जनसंख्या का घनत्व भी कैसा पाया जाता है? असमान पाया जाता है। अर्थात जिस तरह से आपने देखा जनसंख्या का वितरण, वैसे ही हमने देखा जनसंख्या का घनत्व। अब बच्चों इसके बाद देखिए हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को। तो देखिए तीसरा बिंदु आता है हमारा, देखिए जनसंख्या वितरण, घनत्व, उसके बाद आता है हमारा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को देखिए जनसंख्या परिवर्तन भी कहा जाता है।
कहा जाता है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो सकता है, समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। यानी इसमें दो चीजें ली गई हैं, एक तो एक निश्चित क्षेत्र और एक समय की अवधि। उस अवधि में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को क्या कहा गया, जनसंख्या वृद्धि कहा गया है। बच्चों ये वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, ये वृद्धि ऋणात्मक भी। इसका अर्थ है जनसंख्या घट भी सकती है और जनसंख्या बच्चों बढ़ भी सकती है। तो देखिए यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं जनसंख्या को, प्रतिशत के रूप में। ये प्रतिशत का क्या है, सिंबल है बच्चों। कई बार हम जनसंख्या जब वृद्धि दर ज्ञात करते हैं या जनसंख्या जब हम बताते हैं तो हम उसमें ये बता देते हैं कितने प्रतिशत जनसंख्या घटी, कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी। अब देखिए हम आगे देखते हैं बच्चों कि ये जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन देखिए हमें काफी कुछ बताता है। तो वो क्या बताता है, जनसंख्या का परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता। परीक्षा में पूछा जाता है जनसंख्या परिवर्तन किस किस का सूचक होता है, तो आपको उत्तर देना है आर्थिक प्रगति का सूचक, सामाजिक उत्थान का सूचक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सूचक बच्चों। उसके बाद देखिए हम बच्चों आगे देखते हैं और इसके अंदर जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं जो देखिए जनसंख्या वृद्धि से क्या है, संबंधित हैं। और जिनमें सबसे पहले देखिए कौन सी आती है, जनसंख्या की वृद्धि। वृद्धि को देखिए यहाँ परिभाषित किया है, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी वही दो चीजें, एक निश्चित क्षेत्र और एक निश्चित समय अवधि के बीच में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण दिया हुआ है देखिए बच्चों, भारत की 2001 की जनसंख्या कितनी है, 102.7 करोड़, तथा 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ है। जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, अब हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहां स्थान का नाम क्या है, भारत। उसके बाद समय अवधि हमारे पास कौन कौन सी है, 2011 की जनसंख्या। तो कितनी है बच्चों 2011 की, 121.02। और उसके बाद हम देखेंगे 2001 की जनसंख्या, तो बच्चों 2001 की जनसंख्या को देखते हैं कितनी है, 102.70। अब इस जनसंख्या में हम देखेंगे परिवर्तन, और परिवर्तन देखते हैं कितना हुआ। देखिए अब आपके सामने आता है परिवर्तन और इसको हम माइनस कर लेते हैं तो ये परिवर्तन हमारे पास कितना आता है, 18.32 करोड़। क्या हुई है जनसंख्या में, प्लस हुआ है। प्लस का मतलब सीधा सा है क्या है, वृद्धि हुई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं, कोई एक निश्चित स्थान और दो समय अवधियों के बीच के अंतर देखिए जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की दर, यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए अब हम ज्ञात किसको करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। अगर हम प्रतिशत के माध्यम से इसे व्यक्त करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि दर। उसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार में देखिए सबसे पहले जो हमने लिया है प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या के अंदर हमने किसको लिया है, प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि को देखिए जो ज्ञात किया जाता है बच्चों किसके आधार पर, जन्म दर में से मृत्यु दर घटा दिया जाता है। तो हमारे पास कौन सी वृद्धि आती है जनसंख्या की, प्राकृतिक। तो देखिए किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है।
है जो हमने एक सूत्र के रूप में भी प्रदर्शित किया है। प्राकृतिक वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं? जन्म में से क्या माइनस कर देते? मृत्यु, और इसे कहा जाता है प्राकृतिक वृद्धि। तो अब इसके बाद हम देखिए दूसरा देखते हैं, और दूसरा आता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो वास्तविक वृद्धि को भी ज्ञात करने के लिए देखिए हमने सूत्र का प्रयोग किया है। ये तो कैसी थी? प्राकृतिक। अब इसमें दो नई चीजें और जोड़ दी हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। बच्चों आप्रवास का मतलब है दूसरे क्षेत्र से आकर लोगों का रहना, उत्प्रवास का मतलब है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाना। तो सीधा सा है, यहां पर देखिए जन्म में से किसको घटा देते हैं? मृत्यु को। और उसके बाद आप्रवास में से किसको घटा देते हैं? उत्प्रवास को। और जो दोनों बचते हैं उनको हम जोड़ देते हैं, वो वृद्धि हमारी क्या कहलाती है बच्चों? वास्तविक वृद्धि कहलाती है। उसके बाद देखिए जनसंख्या की ये वृद्धि क्या होती है? या तो धनात्मक होती है या ऋणात्मक। अब देखिए धनात्मक कब होगी? जब जन्म अधिक होंगे और मृत्यु कम होगी तो धनात्मक होगी। आप्रवास अधिक होगा और उत्प्रवास कम होगा तो जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी? धनात्मक होगी। तो देखिए यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। मैंने कहा था ना जन्म दर क्या हो? अधिक हो। या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, यानी ये ज्यादा हो और ये क्या हो? कम हो। तो जनसंख्या की वृद्धि दर कैसी होगी? धनात्मक। अब बच्चों हम दूसरे रूप में देखते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि कब होगी? जब जन्म कम हो और मृत्यु अधिक हो। दूसरा देखिए, दूसरे देशों से आने वाले लोगों की संख्या कम हो और जाने वालों की संख्या अधिक हो। इसी बात को लिखा है, यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं बच्चों। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाए? कम हो जाए बच्चों। अथवा लोग अन्य देशों में क्या कर जाए? प्रवास कर जाए। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा जनसंख्या वृद्धि के प्रकार दो प्रकार से, एक तो प्राकृतिक वृद्धि दर और दूसरी आपने जो जनसंख्या देखी कौन सी? वास्तविक वृद्धि। और दोनों में देखिए हमने दो तथ्यों को लिया था, एक में तो जन्म और मृत्यु को लिया, दूसरे के अंदर देखिए हमने जो तथ्य लिए थे वो कौन से थे? प्रवास से संबंधित तथ्य लिए। तो इस तरह से बच्चों आज जो हमने पढ़ा था विश्व की जनसंख्या का वितरण और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद हमने पढ़ा जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या के घनत्व ने हमें एक सूत्र को भी पढ़ा जिसके आधार पर हमने जनसंख्या घनत्व निकालना सीखा। उसके बाद हमने देखा जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि में देखा कि जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, ऋणात्मक होते हैं या धनात्मक। उसके बाद हमने देखिए कुछ अवधारणाएं देखी, किससे संबंधित बच्चों? जनसंख्या से संबंधित। जैसे कौन सी अवधारणाएं देखी? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, उसके अलावा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। इस तरह से हमने पूरे अध्याय को पढ़ा। बच्चों अब अच्छे से इसे नोट कर लेना और अच्छे से दोहरान कर लेना, क्योंकि अगले देखिए इस पाठ का जो आगे का जो भाग है जनसंख्या परिवर्तन को हम देखेंगे, जनसंख्या परिवर्तन का एक मॉडल भी देखेंगे बच्चों, और उसके आधार पर देखिए हम ये भी पता लगाएंगे कि जनसंख्या किस तरह से परिवर्तित हो रही है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नए अध्याय में फिर मिलेंगे बच्चों। सभी को एक बार पुनः मेरा नमस्कार।